नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य असम के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। ये राज्य पहाड़ियों, चाय के बागानों, जंगलों और नदियों से भरा पड़ा है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जानवरों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की नदियाँ, शानदार पहाड़ियाँ और जीव जंतु इसे प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं असम के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। इसमें पहले नंबर पर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का सबसे फेमस नेशनल पार्क है। ये पार्क पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। ये पार्क गैंडों के अलावा बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आप कई प्रकार के जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा असम का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर असम के अन्य शहरों की तुलना में आधुनिक और शानदार है। यहाँ पर एक जू भी है जिसे असम स्टेट जू के नाम से जाना जाता है। इस जू में कई प्रकार के पशु पक्षी भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जोरहाट। जोरहाट असम की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए एक अच्छा शहर है। जोरहाट यहाँ स्थित चाय के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आसपास 135 चाय के बागान स्थित हैं। यहाँ पहुंचकर पर्यटक खूबसूरत चाय के बागानों और असम की संस्कृति को देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है माजुली। माजुली जोरहाट शहर से 20 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक द्वीप है जो कि 1250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ की संस्कृति बेहद ही अलग और रोचक है। नाव पर बैठकर आप यहाँ पर घूम सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ भारत के चाय शहर के रूप में जाना जाता है। इस शहर के एक ओर ब्रह्मपुत्र नदी तो दूसरी ओर हिमालय की पहाड़ियां हैं। असम की चाय पूरी दुनिया में फेमस है और इस चाय का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। ये शांत पर्यटक स्थल अंग्रेजों के समय से चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है हाफलोंग। हाफलोंग असम का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ आकर पर्यटक इसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते हैं। समुद्र तल से 512 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये जगह गर्मियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पर झरने, नदियाँ और हरी भरी पहाड़ियाँ इसे एक शानदार टूरिस्ट प्लेस बनाती हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क भी असम का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने के साथ साथ टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन लंगूर और लाल पांडा भी पाए जाते हैं। यहाँ भी आप गैंडे, बाघ और हाथियों को देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर अपनी अनूठी परंपरा, प्राकृतिक दृश्यों और आदिवासी संस्कृति को देखने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ कई सारे हिंदू मंदिर हैं। यहाँ का शानदार मौसम साल भर पर्यटकों को अपनी सुंदरता की वजह से आकर्षित करता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कामाख्या देवी मंदिर। असम के दर्शनीय स्थलों में कामाख्या देवी का एक विशेष महत्व है। ये मंदिर असम में गुवाहाटी के पश्चिम भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये देवी तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। यहाँ हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है शिवसागर। शिवसागर असम का एक सांस्कृतिक शहर है जो कि मंदिरों के साथ साथ कई ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ घूमने के प्रमुख स्थान हैं अहोम संग्रहालय, मानव निर्मित झील, रुद्र सागर टैंक, गौरी शंकर टैंक और मंदिर। तो यह है असम के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना। हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।